अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय होम्स कुकिंग चैनल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे नॉर्मल डोसा, जो प्लेन डोसा है, उसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम लेंगे 1 कप उड़द दाल, साथ ही हम लेंगे 3 कप नॉर्मल राइस जो हम खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो आप किसी से भी मेजर करके ले सकते हो, वाटी जो भी आपके पास कप हो उससे। तो मैंने यहाँ पे मेजरिंग कप्स वाला जो 2x3 कप वाला कप आता है वो यूज़ की हूँ। साथ ही हम लेंगे मेथी दाना, तो यहाँ पे हम 1/2 टीस्पून जितना मेथी दाना डालेंगे। और अब हम इन सबको अच्छे से वॉश करके ले लेंगे। तो आपको इसमें पानी डाल के अच्छे से 2 से 3 मरतबा अच्छे से वॉश करके लेना है, इसी तरह से जिस तरह से मैं यहाँ पे कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से आपको पानी डालना है और फिर उसे अच्छे से वॉश करके लेना है। तो यहाँ पे हमने इसे टोटल 3 बार अच्छे से वॉश करके ले लिए है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो हमने यहाँ पे 3 ग्लास पानी डाले है और इसे अब हम 6 घंटा भिगोते रखेंगे। तो यहाँ पे 6 घंटा हो गया है और अब आप देख सकते हो ये जो हमने चावल, उड़द दाल और जो मेथी दाना रखे थे फूकते, वो देखिए अच्छे से फूल के आ चुका है, फूक चुका है। और ये इजीली चावल देखिए इस तरह से टूट रहे हैं, यानी कि ये अच्छे से फूक चुके हैं। तो अब हम इसे मिक्सी जार में ग्राइंड करके ले लेंगे। तो इसे हमें एक साथ ही नहीं डालना है, इसे हमें 3 से 4 चम्मच डाल के मिक्सी जार में ग्राइंड करके बारीक पीस के लेना है एकदम। तो इस तरह से हम इसे जो सारा पानी डालेंगे थोड़ा, उसे मिक्सी जार में बारीक पीस के ले लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरह से टेक्सचर होना चाहिए, इस तरह से हल्का सा खरखरा सा। तो हम अब इस तरह से पूरा जो बैटर है हमारा वो पीस के ले लेंगे मिक्सी जार में। तो ये देखिए यहाँ पे रेडी है, हमने सारा बैटर लगा के ले लिए है। और इस तरह से अब हम एक छोटा सा कांदा लेंगे छील के और उसे इस तरह से बस आपको कट लगाना है, पूरा कट नहीं करना है। और उसे जिस तरह से, जिस साइड से कट लगा है उसे, वो कट नीचे साइड रखना है आपको। और इस तरह से आपको कांदा रखना है इसे, और फिर इसे आपको फूकते रखना है। तो इसे हम ओवर नाइट रख दिए थे, तो आप देख सकते हो कि ये कितना अच्छे से फूल के आ चुका है ऊपर। ये देखिए, मैं आपको चम्मच की मदद से दिखाती हूँ, एकदम हल्का फुल्का हो गया है। तो अब हम ये जो कांदा रखे थे, हमने कांदा डालने से क्या होता है कि और भी अच्छे से ये फूल के आ जाता है। तो इसे हम निकाल देंगे और इसे अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपको अच्छे से फेंट के लेना है। और नमक आपको पहले नहीं डालना है, जब आप ओवरनाइट रखोगे उसे, उसके बाद बनाने से पहले ही आपको उसमें नमक डालना है। तो इसमें से हम इसमें थोड़ा सा निकाल के ले लेंगे। इसी बैटर से आप उत्तप्पा जो होता है वो भी बना सकते हो। उत्तप्पा डोसा एक ही बैटर से बनाया जाता है। तो ये देखिए, हमने इसे अलग से बाउल में लिए है और इसमें अब हमने नमक डाले थोड़ा सा और इसमें हम पानी डालेंगे थोड़ा सा और इसे हम अच्छे से फेटेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपको थोड़ा पतला करना है क्योंकि ये थोड़ा गाढ़ा होता है, तो इसे आपको इस तरह से पतला करके लेना है। तो ये देखिए, मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था इसीलिए हमने इसमें थोड़ा सा और पानी डाल दिया है। तो इस तरह से आपको पानी डाल के अच्छे से फेंट के लेना है। तो ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से आपको करना है, ज़्यादा भी पानी नहीं डालना है आप, वरना एकदम पतला कर डालोगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने ये रेडी कर लिए है प्रिपरेशन। ये रहा हमारा यहाँ पे एक छोटा सा टॉवल, आपको इस तरह से पानी में रखना है भिगोते, क्योंकि आपको वो यूज़ होगा, और साथ ही थोड़ा सा ऑयल। तो अब हम एक पैन रख देंगे गैस पे और इसे हम अच्छे से पोंछ के ले लेंगे टॉवल से। और इसमें अब हम ये जो बैटर है डोसे का वो डालेंगे और इसे इस तरह से एक कोई भी वाटी की मदद से या फिर जो गोल चम्मच होता है उससे भी आप इसे स्प्रेड कर सकते हो। तो इस पर अब हम 1 से 2 सेकंड के लिए थाली रखेंगे इसके ऊपर, ताकि अंदर स्टीम हो जाए एकदम अच्छे से। और ये देखिए,
कितना अच्छे से साइड से एकदम किनारों से अपने आप निकलने लगता है, वो ऊपर की तरफ होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, झटपट हो जाते हैं बना के और एकदम बिल्कुल बाजार जैसे क्रिस्पी डोसे बन के घर पर ही रेडी हो जाते हैं। तो ये देखिए कितना इजीली ऊपर आ गया है, ना ज़्यादा ऑयल लगता है ना ही कुछ। तो ये देखिए हमने ये एक डोसा बना लिया है, मैं आपको फिर से एक और डोसा बना के दिखा देती हूँ। तो इस तरह से आपको पहले पोंछ के लेना है गीला करके टॉवल, और इसे बैटर डाल के इसे आपको हल्के हाथों से ऊपर से इस तरह से गोल गोल एक ही डायरेक्शन में आपको घुमाना है, वापस उल्टी डायरेक्शन में नहीं आना है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरह से आप हम इसे 1 से 2 सेकेंड इसके ऊपर थाली रखेंगे, और ये हमने इसे थाली हटा लिया, और देख सकते हो किस तरह से ऊपर की साइड हो जाता है किनारों से। तो ये बहुत ही हल्के फुल्के एंड क्रिस्पी डोसे बनके घर पे रेडी हो जाते हैं। तो आप भी ये डोसे घर पे बना के खाइए, मज़े लीजिए और ज़रूर ट्राई करना, और मुझे बताना कमेंट में कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये देखिए कितने ज़्यादा टेस्टी बनके हमारा डोसा, साथ ही चटनी एंड पोटैटो की सब्ज़ी भी इसके साथ खाई जाती है। तो जो चटनी है और पोटैटो की सब्ज़ी, इसकी जो रेसिपी है मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाल दी हूँ शॉर्ट्स पे, तो आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इसकी लिंक, आप देख सकते हो कि मैंने पोटैटो की सब्ज़ी और चटनी कैसी बनाई हूँ। तो आप ज़रूर देखना और घर पे ज़रूर बनाना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।